हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नाथ एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट नॉर्मल फोटोज इनटू पोर्ट्रेट मोड। तो बेसिकली बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। जो फोटो एडिट करने के बाद ये फोटो कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी। तो बहुत इजी है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग खोलेंगे एक्से प्रो। तो आप लोग कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए। तो पिक्चर ले लेंगे जिसका बैकग्राउंड ब्लर करना है। ले लिया है, फिर हम लोग जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में जाएंगे, फिर नीचे नीचे तो ब्लर पे क्लिक करेंगे। तो आपको जितना चाहिए उतना हम लोग ब्लर कर लेंगे उसको। मेरे को इतना चाहिए तो मैं कर लूँगा इतना ब्लर। तो ये हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद इंसर्ट पिक्चर में जाएंगे, फिर गैलरी से वो पिक्चर ले लेंगे, फिर से वही पिक्चर लेंगे हम लोग। चाहिए तो आप लोग इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया। तो हम लोग इसका कटआउट करेंगे। जितना भी हिस्सा है ना, जितना भी हिस्से को हमको ब्लर करना है उतना हम लोग ब्लर कर देंगे। तो मैं कर रहा हूँ एकदम डिटेल से ब्लर करना, एकदम अच्छे से, थोड़ा सा भी मत छोड़ना, थोड़ा सा भी नहीं। तो ये मैंने कर लिया, अच्छे से कटआउट कर लेना। फिर कटआउट करने के बाद कटआउट को सेव कर लेना। अगर करना हो तो कर सकते, वरना नहीं भी कर सकते। तो ये सब होने के बाद इमेज कुछ ऐसी दिखेगी। तो इतनी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए हम लोग स्नैपशीट में जाएंगे। स्नैपशीट में जाने के बाद वो इमेज ले लेंगे जिसको हमने बैकग्राउंड ब्लर किया। फिर एकेंड्रॉइड नाम का एक फिल्टर लेंगे। बहुत टाइम ले रहा है ये, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, जल्दी हो जाए। हाँ, तो टूल्स में जाएंगे, फिर डिटेल्स में जाएंगे, फिर स्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। इससे थोड़ा शार्पनिंग, बहुत इससे शार्पनिंग ज़्यादा दिखता है। फिर शार्पनिंग में जाएंगे, उसको फुल कर देंगे। स्ट्रक्चर को एडजस्ट कर लेना, तो उसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो ये हो गया, बहुत आसान है। दैट इज़ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।